तो जैसा कि आपको पता है, वोटर आईडी कार्ड का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। पहले आपको इस फॉर्मेट में वोटर आईडी कार्ड मिलता था, बट अब इस फॉर्मेट को भी अपडेट कर दिया गया है। अब जो भी वोटर आईडी कार्ड आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या फिर पीडीएफ में डाउनलोड करोगे, तो इस फॉर्मेट में आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप इस डिज़ाइन में वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं मिलता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस डिज़ाइन में आप वोटर आईडी कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना और उसे आप पीवीसी में प्रिंट आउट निकाल करके यूज कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपको इस वाले वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है। इस वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वोटर हेल्पलाइन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। मेरे फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है जो आपको नीचे दिख रहा है, एंड यहाँ पर आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपने पहले से इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ओटीपी एंटर करके फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन विकल्प मिलेगा वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। पहला, तो अगर आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर पता है तो आपको इस पर क्लिक करना है, यस आई हैव ए एपिक नंबर, एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं पता है और आपने नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है और आपके पास रेफरेंस नंबर है, तो आपको यस आई हैव रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसमें आपको रेफरेंस नंबर देना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप वोटर आईडी कार्ड का नंबर पता कर सकते हो। और अगर आपके पास रेफरेंस नंबर भी नहीं है और वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी नहीं है, तो आपको सर्च बाय डिटेल्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर भी आपको सर्च बाय डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसमें आपको अपना नाम देना है, इसमें पिता का नाम देना है, फिर इसमें एज देना है, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर मिल जाएगा। अब उस नंबर को आपको नोट कर लेना है और आपको बैक जाना है, फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अब यस आई हैव इपिक नंबर पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट करना है। जो आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर मिला है, उस नंबर को आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स मिल जाएगा, तो आपको देख लेना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शो करेगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपको प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है। उस ओटीपी को आपको इसमें एंटर करना है, फिर आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड इपिक पर क्लिक करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल मेरा ई वोटर कार्ड डाउनलोड हो गया है, और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरह का है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अगर आपका बहुत पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो उसे आप इस प्रोसेस से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले अपने वोटर कार्ड को अपडेट कर लेना है, जैसे कि उसमें फ़ोटो अपडेट कर देना है और मोबाइल नंबर ये चेंज कर देना है। तो जब आप ये दोनों चीज़ कर दोगे, तो उसके बाद आप इस प्रोसेस से अपने पुराने से पुराने वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो। न्यू वोटर कार्ड का जो डिज़ाइन है, इस तरह का आप डाउनलोड कर सकते हो। उसे आप प्लास्टिक वाले कार्ड में प्रिंट आउट निकाल करके यूज कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। आप ये वाला ऑर्डर भी कर देना, अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसे भी आप यूज कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।